नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कंपस चैनल पर। सुधीर एक शांत गांव का एक जवान लड़का एक भारी बोझ ढो रहा था। उसका मन लगातार दौड़ रहा था विचारों के बवंडर में। वह भविष्य की चिंता करता था, अतीत को बार बार जीता था और वर्तमान क्षण में उसे कोई सुकून नहीं मिलता था। साधारण खुशियां उसे छोड़कर चली गईं, जो उसके भीतर की निरंतर बकबक से ढकी हुई थीं। सुधीर शांति के लिए तरसता था। उस निरंतर शोर को शांत करने का एक तरीका, समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सुधीर एक यात्रा पर निकल पड़े। उसने बड़ों से सलाह ली, अनगिनत शास्त्र पढ़े, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे उसके भीतर का उथल पुथल शांत हो सके। थका हुआ और निराश वह शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक दूरस्थ मठ में पहुंचा। उसके भीतर आशा की एक किरण जगी, उसकी निराशा के अंधेरे में एक चमक। मठ से शांति की आभा निकल रही थी, जो सुधीर के भीतर चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत थी। उसने एक बुद्धिमान भिक्षु भंते आनंद के बारे में सुना था, जो वहां रहते थे, ज्ञान और करुणा की किरण। भंते आनंद ने एक गर्म मुस्कान के साथ सुधीर का स्वागत किया। उनकी आंखें एक ऐसी गहरी शांति बिखेर रही थीं जिसने उन्हें तुरंत सहज कर दिया। जैसे ही सुधीर ने अपनी परेशानियों को उंडेला, भिक्षु धैर्यपूर्वक सुनते रहे। जब सुधीर खत्म कर चुके थे तो भंते आनंद बोले, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है, बेकाबू और बेचैन। शांति पाने के लिए आपको इसे वश में करना सीखना होगा। एक बार एक पराक्रमी राजा रहता था। भंते आनंद ने शुरू किया, उनकी आवाज शब्दों का ताना बाना बुन रही थी। अपने धन और शक्ति के बावजूद राजा बहुत दुखी था। उसका मन विचारों के युद्ध के मैदान जैसा था, भविष्य को लेकर चिंताएं, अतीत के पछतावे। राजा ने बुद्धिमान लोगों से सलाह ली, लेकिन उनके शब्दों से कोई सुकून नहीं मिला। हताश होकर उसने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा की जो उसे मन की शांति का रहस्य सिखा सके। एक दिन एक भटकता हुआ संत महल में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, खुशी की कुंजी मायावी भविष्य का पीछा करने या बीते हुए कल में रहने में नहीं है। सच्ची शांति वर्तमान क्षण में निवास करती है। राजा को संदेह था, लेकिन वह कुछ भी करने को तैयार था। ऋषि ने उसे अपने मन को शांत करने और वर्तमान से जुड़ने के लिए सरल लेकिन गहन तकनीकें सिखाईं। उन्होंने राजा को अपनी सांस पर ध्यान देने, अपने आसपास की दुनिया को एक बच्चे जैसी उत्सुकता के साथ देखने का निर्देश दिया। भाग 4, एक राजा का परिवर्तन। पहले तो राजा को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसका मन विरोध कर रहा था, उसे चिंता और पछतावे के अपने परिचित पैटर्न में वापस खींच रहा था। लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास से उसने शांति के क्षणों का अनुभव करना शुरू कर दिया। उस शांति की झलक जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। उसने एक फूल के जटिल विवरण, पत्तों को हिलाती हुई हल्की हवा, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को देखा। जैसे जैसे उसने खुद को इन साधारण संवेदनाओं में डुबोया, उसकी चिंताएं पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं। राजा ने ऋषि के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन का अनुभव करने का एक तरीका था। पल पल भंते आनंद रुक गए और आगे बढ़ने से पहले सन्नाटे को छा जाने दिया। राजा का परिवर्तन रातों रात होने वाला कोई जादुई घटना नहीं थी। यह उनके मन को प्रशिक्षित करने, अतीत के आकर्षण या भविष्य की चिंताओं पर उपस्थिति को चुनने सीखने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। भाग 5, अपने भीतर शांति खोजना। सुधीर ने ध्यान से सुना। उसका हृदय राजा की यात्रा के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। भंते आनंद ने सुधीर को ध्यान का अभ्यास सिखाया, शांति और जागरूकता पैदा करने का एक तरीका। उन्होंने उसे एक आरामदायक मुद्रा में बैठने, अपनी आंखें बंद करने और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाने का निर्देश दिया। जब भी आपका मन भटके तो उसे धीरे से सांस लेने की अनुभूति की ओर वापस ले आए। धीरे धीरे धैर्य और दृढ़ता के साथ उसने शांति के क्षणों का अनुभव करना शुरू कर दिया। भाग 6, वर्तमान क्षण प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे सुधीर ने अपने मन को शांत करना सीखा, उसने वर्तमान क्षण के लिए एक नए सिरे से सराहना की खोज की। उसने रोजमर्रा की चीजों में सुंदरता को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, पत्तों को हिलाती हुई हल्की हवा, पक्षियों के गाने की आवाज, दुनिया जीवंतता और आश्चर्य के साथ जीवंत होती हुई प्रतीत हुई। बहुत ज्यादा सोचने का बोझ धीरे धीरे हल्का होता गया, जिसकी जगह हल्कापन और आजादी की भावना ने ले ली। सुधीर ने महसूस किया कि सच्ची खुशी मायावी भविष्य का पीछा करने या बीते हुए कल में रहने में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण के उपहार को पूरी तरह से अपनाने में है। और इसलिए सुधीर अपने गांव लौट आया। उसका हृदय उस ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भर गया
जो उसे प्राप्त हुआ था। वह अपने भीतर जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और समता के साथ नेविगेट करने के लिए उपकरण लेकर गया था। उसका मन अब उथल पुथल के बजाय शांति का स्रोत था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।